दर्शकों को मेरा यानी सिमरन हंस का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों हम बात करते हैं ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की रिसेंटली बॉक्स ऑफिस पर लग चुकी मूवी वॉर की। जी हाँ, वॉर फिल्म की बात करें तो इस मूवी ने रिलीज होने से पहले ही इतना क्रेज बना दिया था कि उम्मीदें थी कि ये फिल्म बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और इस फिल्म ने वाकई में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि इस फिल्म ने सलमान खान और आमिर खान के बनाए हुए रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। जी हाँ, अगर हम बात करें इस फिल्म की ओपनिंग की यानी फर्स्ट डे कलेक्शन की, तो फर्स्ट डे कलेक्शन के साथ इतनी ज्यादा बड़ी ओपनिंग की है इस फिल्म ने कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जो यहां इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ा है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का। आपको बता दें कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में आई थी, लेकिन इस फिल्म ने फर्स्ट डे जब ओपनिंग की थी एक रिकॉर्ड बनाया था कि फर्स्ट डे ओपनिंग में 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी। बाद में भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित नहीं हो पाई, लेकिन ओपनिंग में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड बनाया था जिस रिकॉर्ड को अब तोड़ दिया है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के फिल्म यानी वॉर ने। वहीं अगर हम इन दोनों फिल्मों की बात करें तो दोनों फिल्में एक ही प्रोडक्शन हाउस से निकली हुई फिल्में हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी यशराज फिल्म्स की फिल्म थी और अगर हम बात करें वॉर फिल्म की तो एक बार फिर से यशराज फिल्म्स की जो फिल्म ने ही रिकॉर्ड तोड़ा है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का। इसके अलावा सेकेंड नंबर पर जो था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद ये रिकॉर्ड था भारत फिल्म के पास। भारत फिल्म ने पहले दिन में 42 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पर। तो सेकंड नंबर सलमान खान के हाथ था इन ओपनिंग वाले रिकॉर्ड्स का, लेकिन अब वॉर फिल्म फर्स्ट नंबर पर आ चुकी है, सेकंड पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और थर्ड नंबर पर हो चुकी है सलमान खान की भारत। तो अब देखना ये होगा वॉर फिल्म अपने आने वाले दिनों में कितने रिकॉर्ड तोड़ती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ ही मैं यानी सिमरन आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिएगा गूगल बॉलीवुड।